आनंद जी एंड भरत जी, सबसे पहले हम आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि एडवांस एक्सेल क्या होता है और बेसिक एक्सेल क्या होता है। पहले इसकी कंफ्यूजन हम आपको दूर करते हैं, फिर हम कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जानिए कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। देखिए, एडवांस एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि वी लुकअप एडवांस हो गया, इफ एडवांस हो गया और सम और बाकी चीज बेसिक एक्सेल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी चीज को ऐसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि दिस इज द बेसिक, दिस इज द एडवांस। ठीक है, बेसिक ओके एडवांस हमारी यूजेस पे डिपेंड करता है। इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक दो एग्जांपल देना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको एक दो एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 20 को टाइप किया और जस्ट इसके बगल में मैंने 30 को टाइप किया। अब मैं 20 को 30 के ऊपर अगर नॉर्मली कॉपी पेस्ट करो, जो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी आप करते हैं, तो रिप्लेस कर देता है। मैं अंडो करके फिर वापस आता हूँ। राइट क्लिक करके जब मैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल्स में हमारे पास यहाँ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँ तो अब क्या होगा कि 20 जो है 30 को रिप्लेस नहीं करेगा। 20 + 30 के बीच में ऑपरेशंस होगा और उसकी जो रिजल्ट 50 है वो 30 पे पेस्ट हो जाएगी। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ कि पेस्ट स्पेशल में अगर मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई को सिलेक्ट किया, तो मल्टीप्लाई सिलेक्ट करने से क्या होगा कि अब 50 जहां पे कर्सर हमारा है और जहां कॉपी है 20, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट जो है आई थिंक 1000 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आपने यहां इस चीज को जाना कि जब हम कॉपी करके किसी किसी नंबर को कॉपी करके किसी अनदर नंबर पे पेस्ट स्पेशल्स के अंदर जब हम ऑपरेशंस को करते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन होके रिजल्ट पेस्ट हो जाता है। राइट गौरव जी एंड आनंद जी, समझ में आया आपको? यस सर, गौरव जी आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ पे हम कह इसको हम बेसिक कह सकते हैं कि आपने सिंपल सी चीजों के बारे में जाना कि आखिर फंक्शन कैसे काम करता है, क्या रिजल्ट देता है। राइट, अब इसी चीज को मैं दूसरे सीट में एडवांस एक्सेल, इसी टॉपिक को मैं अब मैं एडवांस एक्सेल में आपको पढ़ा रहा हूं। तो एडवांस एक्सेल में पढ़ाने से पहले कुछ चीज के बारे में बताना होगा, जैसे कि मुझे परसेंटेज टाइप करना है तो यहाँ पे 20 और परसेंट का सैंपल दिया, एंटर मारेंगे तो 20% हो जाएगा। लेकिन मैंने 20 लिख के एंटर प्रेस कर दिया, 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस पे कर्सर रखा और यहां हमने परसेंट का सिंबल दिया, तो आप देखेंगे कि 2000% हो जाएगा। एक्सेल में 1 = 100% होता है। राइट, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 टाइप करना होगा, 0.20, फिर इसके ऊपर हम परसेंट का सिंबल लेंगे तो यहां आप देखेंगे कि 20% हो गया। राइट, समझ आ गया आपको परसेंटेज का सिस्टम? ओके सर, अब एक प्रॉब्लम है कि मुझे कलीग मुझे डेटा भेजते हैं, मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन फॉर्मूले से रैंडम कुछ डेटा बना रहा हूं। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा बना दिया। अब मेरे कलीग मुझे डेटा भेजते हैं, अब मेरे कलीग के अकॉर्डिंग दिस इज द 44%, बट अकॉर्डिंग द एक्सेल ये क्या है, 44 इन द नंबर। मतलब कि अगर मुझे 500 का 44% निकालना होगा और वो परसेंट फॉर्मेट में होगा, जैसे कि हाँ ये 20% है, ये 20% है, तब क्या होगा कि हम जस्ट दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट यहां पे 220 आएगा। लेकिन अगर मैं 500 का 44 अगर नंबर में टाइप है तब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे जरूरत पड़ेगी, आई हैव नीड टू चेंज फॉर्मूला, मतलब कि मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा।
तब जाके मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अब यही प्रॉब्लम हुआ कि इस डेटा को जहां मुझे यूज करना है वो जो एक्चुअली परसेंटेज वाली कैलकुलेशन पे फिक्स है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूं तो क्या होगा कि 44 पे अगर जब जैसी परसेंटेज का सैंपल दूंगा 4400% हो जाएगा, जैसे कि यहां पे 20 की जगह पे 2% कन्वर्ट करते 2000 हो जाएगा। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला है कि मैं मैनुअल इस तरह से जाऊं, डबल क्लिक करूं, परसेंटेज लगाते चले जाऊं। अब ये तो तब होगा जब आपके पास 10-20 लाइन का डेटा होगा, तो आपके पास 15 मिनट लगेगा, आप कर दीजिएगा। पर आपका डेटा हजारों में है, 10,000 है, 20,000 है, लाखों में, दैट टाइम आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाएंगे उसको। अब मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, समझे? सॉरी। अब इसकी सॉल्यूशंस के लिए हम जाएंगे सीट वन पे। जो मैंने बताया हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक कैलकुलेट हो जाता है, सेम मेथड को मैं सीट टू पे इंप्लीमेंट करूंगा। यहाँ पे 100 टाइप किया, इस 100 को कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट बेस्ड स्पेशल एंड वी हैव सेलेक्ट द डिवाइड। तो हर नंबर को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो सारे नंबर्स इन डेसिमल में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.20 लिखा था एंड देन परसेंटेज का सिंबल दिया था, तो सारे नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। गौरव जी एंड आनंद जी सर, ये आप अब कंपेयर कीजिए दोनों चीजों में। देखिए यहाँ पे हम आपने जस्ट सीखा कि फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गारंटी है कि ये आप कल तक याद नहीं रखेंगे, क्योंकि तो आपके दिमाग में कहीं जगह ही नहीं बना पाएगा। अब ऑलरेडी सी चीज है, आप इसको भूल जाएंगे, जैसे कि हम अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में अधिकतर चीजें भूल जाया करते थे, क्या? हाँ सर। और जब मैंने एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपको दिमाग को लगा झटका, जब इसकी सॉल्यूशन दी तो ये जो चीजें हैं आपके दिमाग में एक जगह बना लिया, और मुझे लगता है कि 100% मैं श्योर हूं कि आप ऑफिस में इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर देंगे। तो दिस इज द, आप कह सकते हैं कि दिस इज द एडवांस एक्सेल्स। हर मेथड को हम जो है अपने हिसाब से तैयार करते हैं, क्लियर है? अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मेरे पास मान लीजिए कुछ डेटा है कॉलम वाइज, मान लीजिए मंथली, मान लीजिए हो सकता है ये 90 का होगा, मैंने कि एक क्वार्टरली हो, डे वाइज हो, लेकिन फिलहाल मैंने मंथली कर दिया, ये आपका दिसंबर तक का डेटा है, ठीक है? लेकिन आप सपोज एग्जांपल करें कि 200-300 कॉलम ये आपका पास होगा, लेकिन फिलहाल में छोटा डेटा भी क्या होता है कि इफेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है, इसलिए छोटा डेटा बताना सही रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, अब क्या हुआ कि सबकी जो परसेंटेज है, मतलब कि जो टारगेट है वो 70, मतलब कि हर बंदे की मंथली सेल है और सबको 70 टारगेट दिया गया है। अब मुझे क्या करना है इस रिपोर्ट में कि जैन के बाद एक कॉलम को ऐड करना है और यहां पे परसेंटेज का सैंपल देना है, और यहां मुझे डिवाइड करना है 70 से और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है और फिर परसेंटेज का सैंपल अप्लाई कर देना है। उसके अलावा बोल्ड जो भी फॉर्मेटिंग करना आप कर सकते हैं। अब 10-12 है तो चलो आप कर लोगे, लेकिन यही अगर 100-200 हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा आप, हमें लगता है कि 3-4 घंटा ले लेगा आपको, ठीक है? तो जैसे कि आपने बताया कि आप बेसिक एक्सेल जानते हैं, तो आप सॉर्टिंग भी, डेटा सॉर्टिंग भी जानते होंगे, डेटा को सॉर्ट करते हैं? हाँ, डेटा सॉर्ट तो असेंडिंग वाइज डिसेंडिंग वाइज रहता है वो ना। अब देखिए, अब डेटा सॉर्ट आप तो जानते हैं, अब मुझे, मैं डेटा सॉर्ट से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब बोलेंगे वो कैसे, चलिए बता।
सबसे बड़ी चैलेंज मेरा क्या है कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को ऐड करना क्या, और हर का हेडिंग जो है इस तरह से देना, उसके बाद हमें डिवाइड करना है और कॉपी पेस्ट करना है, मतलब टोटल पांच स्टेप है, राइट। तो हम पहला स्टेप करते हैं कि मुझे हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। तो हमने एक ब्लैंक रो ऐसे ही ऐड किया और यहां पे दे दिया सीक्वेंस नंबर, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सीक्वेंस नंबर दे दिया। अब इसी सीक्वेंस नंबर को मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं और यहां पे परसेंटेज दे देता हूं, परसेंटेज का हेडिंग है जो भी आपका टारगेट अचीव या जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं वो हेडिंग मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा हेडिंग आने वाली हेडिंग है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे शॉर्ट। अब शॉर्ट में जाते ही यहां आपको दिखेगा ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे लेफ्ट टू राइट। आई थिंक आपने कभी इसको देखा नहीं होगा सर, लेफ्ट टू राइट, और मैं यहां रो के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट। अब क्या है कि एक कॉलम वाइज शॉर्ट होगा, तो ए वन यहां पर है और ए वन यहां पे है, दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा। जब शॉर्ट होता है तो पूरा का पूरा रो या कॉलम उठ के जाता है, तो पूरा एक कॉलम उठ के जाएगा यहां पे, तो एक हमारा फिल हो जाएगा, एक हमारा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 वाले कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमने यहां पे अपना 50% काम खत्म कर लिया, एक सेकंड में हर रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड कर दिया। अभी हमने सेकंड्स में इसको कर दिया, चाहे वो 10 हो या 1000 हो या 2000 कॉलम हो, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। अब अगला उपाय, अगला काम है कि मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना और उस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना हर एक परसेंटेज वाले कॉलम। तो यहां भी मैं एक ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल में सिलेक्शन होता है जो पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं डेटा के अंदर। तो मैंने बोला कि मैं अपने डेटा का ब्लैंक सेल सिलेक्ट करना चाहता हूं और मैंने ओके किया, तो सिलेक्टेड एरिया में जो भी ब्लैंक सेल थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। और आप देखिए C2 इज एक्टिवेटेड हियर, और जैसे कि ध्यान रखिएगा किसी भी सिलेक्टेड एरिया में आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, नॉर्मल एंटर मारेंगे तो यहाँ पे एंटर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करेंगे जो टाइप किया है, चाहे फॉर्मूला हो या आपका डेटा हो, वो कॉपी होके पूरे एरिया पे पेस्ट। सेम मेथड मैं यहां अपनाऊंगा कि मैं इसमें डिवाइड वाइज 70 करूंगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा, तो फॉर्मूला कॉपी होके पूरे एरिया में पेस्ट हो जाएगा। और जब भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो उसका एड्रेस तो इंक्रीज होता ही होता है। और यहाँ पे हम परसेंटेज का सैंपल दे दिए और देखिए जो काम हमारा घंटों का लग रहा था उसको मैंने कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में कर दिया, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसको दिस इज द एडवांस एक्सेल। तो मेरी क्लासेस में हर मेथड को मैं इसी तरह से तरीकी कर सकते हैं, या आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके ऑफिशियल नॉलेज के वर्क के अकॉर्डिंग हम आपको कराते हैं। अब इसके दो क्वेश्चन आते हैं कि मुझे इसके बारे में पता कैसे है और कितना पता है। पहले चीज कि मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं 2003 से, जब मैं 12th में पढ़ा करता था तब से मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, राइट। और 2007 से मैं क्लासेस दे रहा हूं, 14 कंपनियों में काम कर चुका हूं, तकरीबन 1,00,000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपकी की जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और मोस्टली स्टूडेंट अभी भी मेरे साथ टच में है, वो अपनी प्रॉब्लम मुझे साथ शेयर करते रहते हैं। दूसरी चीज, मैं अभी भी 40 से ऊपर कंपनियों का रिपोर्ट ऑटोमेट करता हूँ, क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। तो मेरे पास जो भी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं वो किसी न किसी ऑफिस की प्रॉब्लम होती है, और जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये फंडास्टिक है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, उसको मैं अपने कोर्स के एग्जाम्पल में एड कर लेता हूँ, ठीक है सर। यस सर।
तो मेरी YouTube पे वीडियो देखेंगे तो एक एक टॉपिक की अलग अलग तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस तरह से हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। जब iptindia.com पे जाएंगे तो मेरे पास बेसिकली मैं दो तरह से क्लासेस देता हूँ। पहला हमारा है लाइव क्लासेस, जो कि अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जूम के थ्रू। हम एक से तीन लोगों के साथ आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपके ऑफिशियल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। दूसरा हमारा आता है वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस में आप सेल्फ लर्निंग करते हैं वीडियो देख के, और टेलीफोनिक सपोर्ट रहता है। जब आप वीडियो क्लास पे क्लिक करेंगे तो आप दे जाएंगे यहाँ पे मेरी वेबसाइट app.iptindia.com पे जाते हैं। यहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे जो कि वीडियो फॉर्म में, जिसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो मोबाइल ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, और आईओएस पे भी है। आप मेरी किसी भी वीडियोज को जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर दोनों ऐप की, इसकी आईओएस की भी और एंड्रॉइड की लिंक आपको मिल जाएंगे किसी भी यूट्यूब वीडियो। अब स्टोर में जब आएंगे तो मेरे पास स्टोर में आपके पास कई सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जैसे कि गूगल सीट है, एडवांस एक्सेल है, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स है। लेकिन जैसे हमारी आपकी बात हुई, आपको रिकॉर्डेड कोर्स पे नहीं जाना है, आपको जाना है लाइव कोर्स। तो लाइव क्लासेस जब क्लिक करेंगे तो मेरे लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे, जिसे हमारी बातचीत हो रही है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले की। इसकी भी दो तरह की क्लासेस है। पहला हमारा है एक्सपर्ट लेवल का कोर्स, जिसमें हम हर एक चीज डिटेल में समझाते हैं, जिसके लिए आपको 35 से 45 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन इसी कोर्स को आप 5-6 घंटे में सीख सकते हैं फास्ट ट्रैक मोड में। लेकिन जाहिर सी बात है 35 से 45 घंटे कोर्स को अगर 5-6 घंटे में मैं ट्रिम करूंगा तो बहुत चीजें छोड़ दूंगा। तो एक कोर्स और लेते हैं जिनको सब कुछ नहीं सीखना है, कुछ 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 पार्ट सीखना है, उनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है वो सीखना है एक्सेल से रिलेटेड, तो वो लोग जो है इसको हैंडल करते हैं। लेकिन आप अगर करें तो इसमें हमारा पूरा सिलेबस है, पूरी की पूरी यहाँ पे आप डाउनलोड PDF करेंगे तो इसमें आपको मेरी पूरी सिलेबस यहाँ से नजर आ जाएगी। हालांकि मैं इसके लिंक जो है आप लोगों को मेल कर देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपको ही दे देता हूँ सर। इसकी जो ड्यूरेशन है 35 से 45 घंटे की है, मंडे टू फ्राइडे। तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे की क्लासेस होती है। क्लासेस की ड्यूरेशन एवरेज होती है और डिपेंड करते हैं टॉपिक और आपके क्वेश्चंस पे। इसमें आपको जो है हर क्लास की वीडियोस मिलेगी, जो कि आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं दे दूंगा। नोट्स मिलेगा, PDF बुक्स मिलेगा, पढ़ने के लिए आर्टिकल मिलेगी, और आपको मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग। और आप सिलेबस को देखेंगे तो टाइम टू टाइम इसमें टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पे चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। और हर एक चीज हम कवर करने की कोशिश की गई है। ये जो है फीचर्स, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, ये मिनिमम टॉपिक है, मैक्सिमम नहीं है। आप चाहो तो आपको लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है, यू कैन एड इन क्लास एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। इसके अलावा मेरे पास VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की भी है, MS Access की भी है, कंप्लीट MIS का भी है, पावर BI की भी है, डैशबोर्ड की भी क्लासेज है, Tableau की भी क्लासेज है, SQL सर्वर भी है, MS Office भी है, Google Sheet भी है। तो ये क्लासेज भी अवेलेबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है। अब बात